अगर आप लोग बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, एक ऐसी मूवी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का यहाँ पर नाम है नन अदर देन द बिग शॉट। तो यस, इस वाली वीडियो में हम क्रिश्चियन बेल और ब्रैड पिट की इस वाली मूवी के बारे में बात करेंगे कि ये वाली मूवी इतनी ज़्यादा खास क्यों है और आप लोगों को ये वाली मूवी क्यों और किस वजह से देखनी चाहिए। तो पूरा रिव्यू के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आगे जाने से पहले इस मूवी की कास्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो हम इस वाली मूवी के कास्ट में देखने को मिलते हैं स्टीव कैरर, क्रिश्चियन बेल, रयान गोसलिंग और ब्रैड पिट भी हम इस वाली मूवी में देखने को मिलते हैं। तो यस, आप लोगों को यहीं से अंदाजा हो गया होगा कि कास्ट के मामले में तो ये वाली मूवी काफी ज्यादा बिग है। अब यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, असल में यहाँ पर ये जो मूवी है ये यहाँ पर एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस है। यस, अगर आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पर 2007 और 8 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था यूएसए में, जिसने काफी अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा लोगों पर जिसका असर हुआ था, तो उस पे ये वाली मूवी बेस है। यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं, कुछ वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स दिखाए जाते हैं। या जैसा कि मैंने बोला, ये वाली मूवी पूरी फाइनेंस, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स इसके ऊपर ही बेस है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स को जब ये पता लगता है कि कैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, तो यहाँ पर कुछ लोग कैसे अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कोई ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि इससे हमारा तो फायदा हो जाए मगर यहाँ पर ओवरऑल वो इकोनॉमी को नहीं देखते। तो यह सब इस पूरी मूवी में इन्हीं सब 2008 के क्राइसिस के बारे में बताया गया कि यहाँ पर ये क्राइसिस कैसे आया, इसकी वजूहत कैसी थी, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, कितनी बड़ी गलतियाँ हुई इस क्राइसिस के पीछे, उस पर यह वाली मूवी बनी है। अब यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि इस वाली मूवी को अच्छा बनाती है। अब यहाँ पर पहली चीज़ पर आ जाता है, वो है कि ये वाली मूवी जो है ना डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा मूवी कम लगती है। यस, अगर आप लोगों ने भी ये वाली मूवी देखी और अगर आप लोग ये वाली मूवी देखेंगे तो आप लोग ये ज़रूर फील करेंगे कि हमें ना ये मतलब लाइक मूवी कम डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा टाइप देखने को मिली, डॉक्यूमेंट्री फीलिंग आ रही है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी वजूहत है। एक तो हमें यहाँ पर जो नरेटिव स्टाइल दिखाया, जिस तरह से पूरी स्क्रीन प्ले दिखाया गया, ये कोई डॉक्यूमेंट्री से कम तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल भी नहीं है, है तो ये मूवी मगर हमें एज अ डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग देती है। यहाँ पर रयान गोसलिंग का जो करेक्टर है वो बार बार थर्ड वॉल ब्रेक करता है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो यस, यहाँ पर इन लोगों ने इस मूवी को बिल्कुल एक ऐसा बनाने की कोशिश की कि हम ना जो करेक्टर्स हैं वो ऑडियंस से बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये वाली मूवी रियल लाइफ इवेंट पर बेस है, इसमें फाइनेंस के बारे में बात हो रही है, बैंकिंग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी टर्म्स का इस वाली मूवी में यूज़ किया गया जो कि मोस्ट प्रोबली मतलब अगर कोई आम आदमी देख रहे उसको मे बी ना पता हो, तो उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए सीन कहीं और शिफ्ट हो जाता है, वो वाला सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर वो उस टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यस, यहाँ पर ओवरऑल जो ये पूरी मूवी है ये यहाँ पर मूवी कम डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग ज़्यादा देती है और ये इन लोगों ने ऐसे किया ताकि ऑडियंस को जो है ना अच्छे से सब कुछ स्टोरी समझ आ जाए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ पर आ जाता हूँ कि कैसे इन लोगों ने यहाँ पर रियल सेलिब्रिटीज़ का यूज़ किया यहाँ पर मूवी में थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए। यहाँ पर हमें मार्गो रॉबी देखने को मिलती है, सेलेना गोमेज देखने को मिलती है और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस बोला कि ये लोग मूवी को एक आम मूवी नहीं बनाना चाहते थे, एक डिफरेंट टाइप थीम देना चाहते थे, एक डिफरेंट फीलिंग देना चाहते थे ताकि ऑडियंस जो है ना अच्छे से समझे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है, यहाँ पर ब्रांड्स को जो है इंडोर्स करता है यानी उसकी प्रमोशन करता है, तो एक तरह से इन्होंने मूवी में भी बिल्कुल वही किया, इन लोगों ने रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ किया ताकि वो इस वाली चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा सके। और यहाँ पर मैं अगली चीज़ पर आऊँगा कि जैसा कि मैंने बोला हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी कास्ट देखने को मिलती है मगर इस मूवी में हमें किसी के पर्सपेक्टिव से स्टोरी नहीं दिखाई गई। आप लोग भी जो मूवी देखेंगे हमें यहाँ पर कभी क्रिश्चियन बेल का करेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, कभी यहाँ पर रयान गोसलिंग के करेक्टर से, कभी यहाँ पर स्टीव कैरर के पर्सपेक्टिव से। तो यस, ओवरऑल ये जो पूरी मूवी है यहाँ पर हमें किसी एक करेक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई जा रही और यहाँ पर अगेन इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, यहाँ पर ये एक इवेंट पे स्टोरी बेस है, ये ओवरऑल इवेंट के बारे में बता रहे हैं। तो यस, इस पूरी मूवी को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए हमें डिफरेंट करेक्टर्स के पर्सपेक्टिव इन लोगों ने यहाँ पर दिखाए हैं। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ कि ऑफकोर्स दिस इज रियलिटी, जैसा कि मैंने बोला कि ये 2008 और 9 में यहाँ पर जो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, उस पर ये वाली मूवी बेस है। और आप लोग भी जब मूवी देखेंगे तो आप लोगों को भी रियलिटी का पता लगेगा। यस, ये वाली मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों को फाइनेंस के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर भी मैं आप
लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यस ये वाली मूवी आप ज़रूर देख लें, आप लोगों को यस ये मेन रियलिटी का पता लगेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर वर्ल्ड कैसे काम करता है, लाइक दुनिया में कैसी कैसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ऐसे मेजर इवेंट्स होते हैं। तो उस वजह से ये हम इस वाली मूवी को देखने के बाद पता लगता है कि अगर इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है उसमें से कैसे को जो काफ़ी ज़्यादा बड़े लोग हैं वो भी अपने मुफाद के लिए चीज़ें देखते हैं। तो यस इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता लगेगा। अब यहाँ पर मैं फाइनल वर्ल्डिंग और ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखें द बिग शॉट एक वो वाली मूवी है, अगर तो आप लोगों को फाइनेंस बैंकिंग में और इन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को मतलब शौक ही नहीं है, मतलब परवाह ही नहीं है कि हैं ये क्या चीज़ें, तो आप लोगों को ये वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग सकती है। यस आप लोग शुरू के 10 मिनट में ये वाली मूवी छोड़ के चले जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मगर यस अगर तो आप लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप सीखना चाहते हैं, मतलब इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो आप लोगों को 1000% रिकमेंड करूँगा ये मूवी आप ही के लिए बनी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टर्म्स और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वाली मूवी से। मगर अगेन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फिर भी कहूँगा कि आप इस वाली मूवी को देख लें, बाद में YouTube में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं इस वाली मूवी की, आप लोगों को वो मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यस ओवरऑल वीडियो में ये था, रिव्यू में ये था, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा आप लोगों ने वाली मूवी देखी, आप लोगों को कैसी लगी, ये वाली वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।